नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेरी है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी लॉज। और जो क्वेरिस्ट हैं वो हैं कनाडा से और बिलोंग इंडिया को करते हैं, पर वो जा चुके हैं कनाडा, और उनकी जो क्वेरी है उसे देख लेते हैं क्या है। तो क्वेरिस्ट कहते हैं, आई एम इन कनाडा, वी हैव अ हाउस इन न्यू दिल्ली, वी आर थ्री ब्रदर्स। बिल्डर गेव 5 लाख एज डिपॉजिट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आर हाउस सो दैट ही कैन बिल्ड द हाउस so that we don't go with any other builder. We don't want to go with that builder now. We told him that he can have his money back. He said that there are penalties and he will sue us in court. Can he do that? तो पहले क्वेरी को समझ लेते हैं। क्वेरी ये है कि जो ओनर है प्रॉपर्टी के, उन्होंने एक बिल्डर से 5 लाख रुपए लिए हुए हैं। किस लिए लिए हुए हैं? कि एज अ कमिटमेंट कि जो बिल्डर है ही विल रिकंस्ट्रक्ट देयर प्रॉपर्टी, और जो ओनर है वो उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को किसी और बिल्डर को नहीं देंगे। और ये पैसे लेकर के जो ओनर है वो चले गए कनाडा, न्यू दिल्ली के रहने वाले थे वो कनाडा चले गए, और जाने के बाद अब उनका मन बदल गया है। वो चाहते हैं जिस बिल्डर से उन्होंने पैसे लिए हैं उसको वो प्रॉपर्टी अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए ना दे, किसी और बिल्डर को दे। हो सकता है उन्हें कोई ज्यादा फेवरेबल टर्म्स मिल रहे हों दूसरे बिल्डर से, या ज्यादा पैसे मिल रहे हो, तो अब उनका मन बदल गया है। तो वो कह रहे हैं, हमने बिल्डर को कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लो और जो बिल्डिंग जो हमारे हमारी जो बिल्डिंग हमें वापस कर दो। पर बिल्डर कह रहे हैं कि आपने मेरे से 5 लाख रुपए लिए हैं, और अगर आप ये बिल्डिंग किसी और को देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो पेनल्टी लगेगी और मैं आपको कोर्ट भी ले जाऊंगा और आपके अगेंस्ट केस करूंगा। तो जो क्वेरिस्ट हैं जो कि कनाडा बैठे हुए हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या बिल्डर ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि जो ओनर है जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हुए हैं फ्रॉम बिल्डर। वो 5 लाख रुपए क्यों लिए हैं? वो इसलिए लिए हैं कि वो एक ओनर ने कमिटमेंट कर दी लेने के बाद कि आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं किसी को ये प्रॉपर्टी और नहीं दूंगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आप रिकंस्ट्रक्ट करना इसे। तो इसीलिए अब बिल्डर कह रहा है कि आप तो मेरे से पैसे ले चुके हो, अब आपने अगर किसी और को दिया तो मैं आप पे केस करूंगा। इसमें एक चीज हमें समझ लेनी होगी, जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसके पास ये अनफेटर्ड राइट होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में किसी को भी आने दे, किसी को भी जाने दे, किसी को भी लाइसेंस दे रहने का, आने का, जाने का, या किसी को भी परमिशन दे उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी चेंजेस करने का। तो इन दिस केस जो ओनर है जो कि कैनेडा में है, उन्होंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसे तो लिए, 5 लाख रुपए तो लिए, बट ही ऑल्सो हैज अ राइट टू रिफ्यूज द बिल्डर टू एंटर हिज प्रॉपर्टी, बिकॉज जो ओनर है उसकी ओनरशिप राइट है, वो कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ। तो इन दिस केस द ओनर शुड आइडियली रिटर्न द मनी, उन्हें वापस कर देना चाहिए उस पैसे को जो उन्होंने बिल्डर से लिए, जो 5 लाख रुपए उन्होंने बिल्डर से लिए वो वापस कर देने चाहिए। और अगर बिल्डर कहता है कि सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं, इसके साथ मेरे को एडिशनल कॉम्पेंसेशन भी चाहिए या एडिशनल और पैसे चाहिए क्योंकि मैंने आपको 5 लाख रुपए देने के बाद आई लॉस्ट अ फ्यू अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो अगर बिल्डर कोई रीजनेबल सा फिगर कोट करता है, मान लीजिए 5 के वो 6, 6.5, 7, 7.5 लाख कोट करता है, तो आई थिंक द ओनर शुड रिटर्न इट टू हिम, बिकॉज आफ्टर ऑल बिल्डर भी उससे वेट किया होगा टिल द टाइम ओनर चेंज हिज माइंड। तो ये रही बात कि अगर कोई अग्रीमेंट आपस में नहीं है बिल्डर और ओनर के बीच में। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि जब बिल्डर अपने पैसे दे रहा है ओनर को तो एक अग्रीमेंट भी साइन होती है, तो जो भी रिफ्यूजल के जो भी टर्म्स होंगे हो सकता है उस अग्रीमेंट में ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डेड हो। इन द सेंस कि अग्रीमेंट में ऐसा हो सकता है कि अगर ओनर अपना माइंड चेंज करते हैं आफ्टर टेकिंग 5 लाख रुपीज, द ओनर चेंजेस हिज माइंड, तो ही वुड बी लाइबल टू पे प्रोबेबली डबल द अमाउंट टू द बिल्डर। या फिर ये भी कहा जा ये भी लिखा हो सकता है कि अगर ओनर अपना माइंड चेंज करते हैं तो ही वुड बी लाइबल टू कॉम्पेंसेट द बिल्डर फॉर वॉट एवर डैमेजेस और वॉट एवर लॉसेज आर कॉज टू द बिल्डर। तो इन दैट केस बिल्डर अपना प्रूफ करेंगे कि मेरे को ये जो लैंड में से वापस ले रहे हैं उस वजह से मेरे को इतना लॉस हो रहा है, बिजनेस में इतने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैंने फोरगो की हैं, और वो जो डैमेजेस कोर्ट करेंगे उसको कोर्ट डिसाइड करेगी क्या है, और अकॉर्डिंगली बिल्डर को पैसे वापस मिलेंगे। तो
In case there is an agreement between the builder and the buyer, between the build between the builder and the owner, तो जो रिफ्यूजल है ओनर का, इट वुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू दैट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अबाउट रिफ्यूजल टू द बिल्डर, कि अगर रिफ्यूज कर सकते हैं या नहीं। तो द आंसर टू दैट इज येस, ऑफकोर्स द ओनर हैज अनफेटर्ड राइट टू रिफ्यूज अ बिल्डर कि वो उस प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करे, प्रोवाइडेड उन्हें वो पैसे लौटा दे, और अगर थोड़ा बहुत कुछ कॉम्पेंसेशन बिल्डर मांगता है तो उसे वो भी दे, विच इज जस्ट एंड रीजनेबल। अब दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लोग इंडिया से बाहर सेटल हो जाते हैं और उनकी जो इंडिया में प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी बिल्डर को दे जाते हैं उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, लाइक इन प्रेजेंट केस। और फिर क्या होता है, फिर एक डिस्प्यूट कुछ अराइज होता है और वो सिलसिला लंबा चलता है और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है क्योंकि पार्टी इंडिया में नहीं है। तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ओनर है वो ये कर सकते हैं कि बिफोर लीविंग इंडिया, बाहर जाने से पहले, वो अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को या रिलेटिव को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देके जा सकते हैं, अ स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी किस लिए होगी कि अगर मेरी जो प्रॉपर्टीज इंडिया में है उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दिस पर्सन, दिस ट्रस्टेड रिलेटिव और फ्रेंड वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द डिस्प्यूट्स। उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको वो परस्यू करेगा कोर्ट में, या जो पेपर्स हैं उन्हें साइन करेगा। बस इतनी सी पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी सफिशियंट टू यू नो हैंडल सच डिस्प्यूट्स। तो अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन हो जाती है तो उससे क्या फायदा होगा कि जो ओनर अब्रॉड बैठा है उन्हें इंडिया आके कोई पेपर साइन नहीं करने होंगे, या वहां से एम्बेसी से पोस्टल वगैरह करके इंडिया में नहीं भेजना होगा, जो कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो द डिफिकल्टी ऑफ एन ओनर हु सिटिंग अब्रॉड, जो बाहर कोई ओनर अगर बैठे हैं जिनकी प्रॉपर्टी या बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है, उनकी प्रॉब्लम एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने से, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने से सॉल्व हो सकती है। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप यू फाउंड इट मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल, और अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा हो सकता है तो इसको काइंडली शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का एम यही है कि जो एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बनाए, जिससे कि जो भी लीगल इश्यूज हैं जिससे हम रोज डील करते हैं उनके बारे एक कम्युनिटी बने जिसको कि इन चीजों के बारे जानकारी हो। तो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड गुड बाय।